विदेशियों के चक्कर में मोदी ने अपने ही देश के लोगों को सड़क पर फेंक दिया है। ये डबडबाई आंखें, सड़क पर बैठी लाचार महिलाएं और मलबे के ढेर में अपना सामान तलाश करते ये लोग इसी देश के बाशिंदे हैं। इनकी जिंदगी में G20 शिखर सम्मेलन से भूचाल आ गया है। अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में मोदी ने इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, सामान उठाकर सड़कों पर फेंकवा दिया। एक तरफ हमारे देश में आए विदेशी मेहमानों के साथ पीएम मोदी चमचमाते सोने चांदी के बर्तनों में 56 भोज खा रहे हैं, तो वहीं इन गरीबों को अब एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं है। दशकों से यहां झुग्गियों में रह रहे इन लोगों को मोदी ने सड़क पर ला दिया है। अब ये गरीब अंधेरी सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है। सिर ढकने के लिए इनके पास जो कुछ था वो तो साहब ने अपनी झूठी शानो शौकत के चक्कर में उजाड़ दिया। अपने 9 सालों के शासन में इनका उद्धार तो नहीं कर पाए, मगर बर्बाद जरूर कर दिया। G20 के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था। दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था, और जहां पर्दे से काम नहीं बना उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया, ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं उसकी हवा ना निकल जाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास ना नजर आ जाए। साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है, और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। सबका साथ कहकर सत्ता में तो आए और अब केवल अपना विकास और अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। इतनी बद्दुआ लेकर कहां जाएंगे साहब, कम से कम भगवान से तो खौफ खाइए। इनमें से बहुत से लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, लेकिन इनका कसूर सिर्फ इतना है ना कि ये गरीब हैं, और इस देश के राजा को गरीब पसंद नहीं है। गरीबों को तो आप कीड़े मकौड़े समझते हैं। 2024 में इंसाफ होकर रहेगा, ये गरीब आपको माफ नहीं करेंगे मोदी जी।